सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल क्रोम के बुकमार्क के बारे में। दोस्तों, गूगल क्रोम में जो आपने बुकमार्क सेव किए थे, उस बुकमार्क में कुछ बुकमार्क जो है करप्ट हो जाते हैं और कुछ एम्प्टी फोल्डर के रह जाते हैं, तो आप यहां पर से उसको अलग अलग तो चेक नहीं कर सकते। तो यहां पर मैं एक ऐसा एप्लीकेशन बताने वाला हूं जिससे आप इजीली अपने करप्टेड बुकमार्क और एम्प्टी फोल्डर्स को जो है रिमूव कर सकते हैं। तो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो का अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर गूगल क्रोम के सर्च बार में टाइप करना है बुकमार्क क्लीनअप टूल। ओके, उसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। फर्स्ट वाली ये जो लिंक है आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बुकमार्क क्लीनअप, ये जो इसका एक्सटेंशन है, आपको यहाँ पर ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, मैं उसके बाद ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एक्सटेंशन है यहाँ पर ऐड हो गया। तो अभी इस एक्सटेंशन के आइकॉन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से मैसेज आएगा, तो हम इसको यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइंड डुप्लीकेट बुकमार्क करना है। अगर आप डुप्लीकेट बुकमार्क फाइंड करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट बुकमार्क नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर रिमूव एम्प्टी फोल्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं रिमूव वन एम्प्टी फोल्डर। इस एक्सटेंशन को मैंने ऐड करने से पहले अपने बुकमार्क में एक एम्प्टी फोल्डर बनाया था, तो आप यहां पर देख सकते हैं ये एम्प्टी फोल्डर रिमूव कर रहा है। तो आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहां पर ओके के ऊपर क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद अगर आप अपने बुकमार्क को जो है मर्ज करना चाहते हैं, तो मर्ज डुप्लीकेट बुकमार्क फोल्डर के ऊपर क्लिक करके एक साथ इसको आप जो है रिमूव भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मेरे पास जीरो है डुप्लीकेट बुकमार्क जो है, और डुप्लीकेट फोल्डर नहीं है मेरे पास। अगर आप बुकमार्क में जो भी सेव करे हैं, आपका बुकमार्क जो है URL जो है ब्रोकन हो गया है, तो आप यहाँ पर से फाइंड ब्रोकन URL के ऊपर क्लिक कर लीजिए। ये जो है अभी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेता है, तो हम इसका वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो एक्सटेंशन है अपने क्रोम में जो है ठीक से वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपने डुप्लीकेट बुकमार्क, ब्रोकन URLs और एम्प्टी फोल्डर्स को जो है रिमूव कर सकते हैं इजीली इस एक्सटेंशन को ऐड करके। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, क्योंकि मैं रोज़ इसी तरह वीडियो लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।